हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो इसके पहले का जो वीडियो था कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसमें हमने सीआरओ और सीआरटी के बारे में जाना था। तो सीआरटी क्या होता है, बेसिकली एक सीआरओ का ही पार्ट होता है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीआरओ के ब्लॉक डायग्राम के बारे में, यानी जो हमारा सीआरओ होता है किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। इसमें हम ये भी समझेंगे कि जैसे ऊपर किसी भी व्यू को डिस्प्ले कराने में किन चीज़ों का सबसे अहम रोल रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम जानते ही हैं कि सीआरओ एक ऐसा यंत्र है जिससे सभी प्रकार की तरंगों का अध्ययन किया जा सकता है, ठीक है। तरंगों की पीक वोल्टेज यानी जो वोल्टेज है उसका मैक्सिमम मान कितना है, आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी हम देख सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं, और फेज डिफरेंस को भी, तथा पल्सेस की पल्स विड्थ यानी राइज टाइम, फॉल टाइम, डिले टाइम आदि का मापन किया जा सकता है, ठीक है। सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम नीचे दिया गया है, तो सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं जो नीचे दिया गया है। ये देखिए, ये मेन हमारा एक सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। तो जो हमारा ये है, ये हमारा सीआरटी है, इसके बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए देते हैं, आप उसका पहले वीडियो देख लीजिए सीआरटी हमारी क्या होती है, तो इसको समझने में आपको आसानी होगी। तो ये तो हमारी सीआरटी में लगी होती है जिस पर हम वेव डिस्प्ले करा सकते हैं, और यहाँ पर से हम इनपुट सिग्नल देंगे, और यहाँ पर हमारा लगा हुआ है वर्टिकल एम्पलीफायर, और कई सारे हमारे सर्किट इसमें लगे होते हैं जिनको हम एक एक करके नीचे समझेंगे। फिर उसके बाद हमारा डिले लाइन है, और एक हमारा ट्रिगर सर्किट, और टाइम बेस जनरेटर, और हॉरिजेंटल एम्पलीफायर, यही हमारे जो पांच हैं इनका मेन रोल होता है किसी भी वेव को डिस्प्ले कराने में। यहाँ पर हाई वोल्टेज सप्लाई और लो वोल्टेज सप्लाई लगाई गई है पूरी सर्किटरी को रन कराने के लिए, ठीक है। तो हम एक एक करके समझ लेते हैं किस चीज़ का क्या काम होता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कैथोड रे ट्यूब के बारे में, जिसको हम सीआरटी के नाम से जानते हैं। तो कैथोड रे ट्यूब यानी सीआरटी सीआरओ का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, ठीक है। सीआरओ के कैथोड को हीट करने पर इलेक्ट्रॉन उत्पन्न होते हैं। जब भी हम सीआरओ के जो कैथोड है उसको हीट करते हैं तो हमारे इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे, ठीक है। फिर इन इलेक्ट्रॉनों को फोकसिंग सेक्शन द्वारा एक लाइन बीम में तब्दील किया जाता है, फिर इन इलेक्ट्रॉन को फोकस किया जाता है और फोकस करके एक लाइन बीम में बदला जाता है। सीआरटी में दो को डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, दो को यहाँ पर थोड़ा गलत दिख गया है, सीआरटी में दो डिफ्लेक्शन प्लेट्स होती हैं, हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल, ठीक है। हॉरिजेंटल प्लेट्स पर टाइम बेस को जनरेटर द्वारा उत्पन्न सॉटूथ सिग्नल दिया जाता है, ठीक है, तथा जिस सिग्नल को डिस्प्ले करना है उसे वर्टिकल प्लेट्स पर दिया जाता है, ठीक है। ये चीज़ हमारी ध्यान देने वाली है कि जिस सिग्नल को हमको डिस्प्ले कराना होता है उसको हम वर्टिकल प्लेट्स पर अप्लाई करते हैं, ठीक है। इस प्रकार इनपुट वेव का वोल्टेज वर्सेस टाइम डिस्प्ले पर दिखाई देता है। स्क्रीन एक हार्ड प्लास्टिक द्वारा प्रोटेक्टेड होती है, जिसे ग्रेटिक्यूल कहा जाता है। ग्रेटिक्यूल्स पर हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल मार्किंग बनी होती है जिनसे रीडिंग ली जाती है। कभी भी आप सीआरओ के अगर स्क्रीन को देखते हैं तो उसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों लाइन बनी होंगी जिससे हमको रीडिंग लेने में आसानी रहे। इसके बाद इसके हम एक और पार्ट के बारे में बात करें तो हमारा टाइम बेस जनरेटर, ठीक है। तो सीआरओ में एक टाइम बेस जनरेटर होता है, ये हमारा टाइम लिखा हुआ है, जो एक सॉटूथ वेवफॉर्म उत्पन्न करता है, ठीक है। सॉटूथ वेवफॉर्म अगर नहीं जानते तो सॉटूथ वेवफॉर्म हमारी कुछ इस तरीके की होती है, जैसे कि आरी में ब्लेड बने हुए होते हैं। यह वेव सीआरटी की हॉरिजेंटल प्लेट्स पर अप्लाई की जाती है, और जो ये हमारी वेव होती है सीआरटी के हॉरिजेंटल प्लेट पर, ठीक है। ये ध्यान रहे हमको कि जो हमारी इनपुट वेव होती है वो तो हमारी वर्टिकल पर अप्लाई की जाती है, लेकिन जो सॉटूथ वेव होती है हमारी हॉरिजेंटल प्लेट्स पर अप्लाई की जाती है, जिससे बीम हॉरिजेंटल दिशा में एक कॉन्स्टेंट रेट से मूव करती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी बीम होती है वो टाइम डिपेंडेंट होती है, वो टाइम पे हमारी डिपेंड करती है, ठीक है। बीम हमारी एक कांस्टेंट रेट से मूव करती है। उसके बाद हम बात करेंगे ट्रिगर सर्किट के बारे में, ट्रिगर क्या होता है, ठीक है। देखिए, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ट्रिगर करना यानी उसको फायर करना। सीआरओ पर प्रॉपर डिस्प्ले है तो यह आवश्यक है कि हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल वेवफॉर्म स्क्रीन की एक्सट्रीम लेफ्ट से एक साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करें, यानी जब भी जो हमारी वेवफॉर्म है हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल वेवफॉर्म स्क्रीन की एक्सट्रीम लेफ्ट से एक साथ अपनी यात्रा प्रारंभ करनी चाहिए। इसको सिंक्रोनाइजेशन कहा जाता है, तथा इसे अचीव करने हेतु ट्रिगर परिपथ का यूज किया जाता है। तो ट्रिगर हमारा क्या करता है, हमने पहले ही बताया था कि ट्रिगर उसको एक तरह से ट्रिगर करने का काम आता है, जिसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल वेवफॉर्म स्क्रीन की एक्सट्रीम लेफ्ट से अपनी यात्रा शुरुआत करें,
तो उसी के लिए हमारा ट्रिगर सर्किट काम आता है, जो हमारे इस तरह ट्रिगर करता है कि दोनों हमारी एक साथ यात्रा शुरू करें। अब बात कर लेते हैं हॉरिजेंटल तथा वर्टिकल एम्पलीफायर्स। जो हमारे हॉरिजेंटल और वर्टिकल एम्पलीफायर्स लगे होते हैं, इनका क्या काम होता है? तो जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एम्पलीफायर्स होते हैं, इनके द्वारा हॉरिजेंटल व वर्टिकल प्लेट्स को अप्लाई करने हो तो डिफरेंशियल इनपुट उत्पन्न की जाती है। और अगर बात करें पावर सप्लाई की, तो पावर सप्लाई तो आप जानते होंगे नाम से ही है कि उसको पावर देने के लिए, तो पावर सप्लाई सीआरटी को इलेक्ट्रॉन बीम उत्पन्न व एक्सेलरेट करने हैं तो वोल्टेज प्रदान करती है। पावर सप्लाई द्वारा सीआरओ के अन्य परिपथों हेतु ऑपरेटिंग वोल्टेज भी प्रदान की जाती है। सीआरटी को इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन हेतु हाई वोल्टेज लगभग 20,000 वोल्ट की आवश्यकता होती है, जबकि इलेक्ट्रॉन गन व अन्य परिपथों को लो वोल्टेज की आवश्यकता होती है। ठीक है, अतः पावर सप्लाई इन सबको इनकी आवश्यकता अनुसार वोल्टेज प्रदान करती है। ठीक है, तो ये वीडियो रहा सीआरओ के ब्लॉक डायग्राम के बारे में। इसमें हमने अच्छे से उसके ब्लॉक डायग्राम के बारे में समझने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपके कुछ सुझाव हो तो आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। तो हम मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।